अगर कोई फिल्म बने तो उसमें एक हीरो और एक हीरोइन, रोमांटिक सॉन्ग और अच्छी अच्छी लोकेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक विलन का होना। वही विलन जो पिक्चर को सक्सेसफुल बनाता है। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, इस वीडियो में आपके साथ वो मूवीज़ के बारे में बात करूँगी जिन मूवीज़ के सक्सेस होने का, सुपरहिट होने का श्रेय मूवी के विलन्स को जाता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे, और मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहली जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है एक विलन। एक विलन साल 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म के हीरो तो सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, लेकिन रितेश देशमुख ने विलन के तौर पर सारी सुर्खियां बटोर ली थी। ये फिल्म मैंने देखी है, लेकिन मुझे कुछ उलझी पुलझी सी मूवी लगी और बहुत ज़्यादा इसमें क्रूरता दिखाई गई है, लेकिन पसंद करने वाले लोगों ने इसे पसंद भी किया है। और ये मूवी में जो विलन का रोल रितेश देशमुख ने किया है वो गजब का किया है। मूवी नंबर 2 पर आते हैं, इस मूवी का नाम है डर। ये शाहरुख खान की मूवी है, शाहरुख खान, सनी देओल और जूही चावला। इस मूवी में निभाए गए किरदार के बाद शाहरुख खान को एक अलग पहचान मिली थी। क्यों? क्योंकि इस मूवी में शाहरुख ने नेगेटिव रोल किया था, यानी कि वो इस मूवी के हीरो नहीं थे, इस मूवी के विलन थे। भाई गजब की एक्टिंग थी, और मुझे उम्मीद है कि हर किसी ने ये मूवी देखी है और इंजॉय किया है। किरण वाला डायलॉग सभी ने सुना होगा, भाई बड़ा फेमस डायलॉग था और इसके गाने तो बहुत ही अच्छे गाने थे। तो ये थी हमारी दूसरी मूवी जिसमें शाहरुख ने विलन का रोल निभा करके इस मूवी को हिट कर दिया था। सो इस लिस्ट की हमारी नेक्स्ट मूवी है, उसका नाम है मर्दानी 2। मर्दानी 2 में बेशक रानी मुखर्जी की दमदार एक्टिंग देखने को मिली, लेकिन विलन के रोल में विशाल जेठवा ने फिल्म में जान फूंक दी थी। बहुत ही अच्छी मूवी है और रानी मुखर्जी के क्या गजब गजब के डायलॉग्स हैं, लेकिन उसमें जो विलन का रोल करने वाले विशाल जेठवा हैं उन्होंने भी बहुत शानदार एक्टिंग करी थी, जिसकी वजह से इस मूवी में प्राण आ गए थे, मतलब कि ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी थी। तो फटाफट से अगली मूवी की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट मूवी है वो है पद्मावत। पद्मावत में रणवीर सिंह ने विलन का रोल निभाया था। इस फिल्म में उनकी अदाकारी को काफी पसंद किया गया था। इस मूवी को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था, और इस मूवी में शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं। हर किसी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन क्या गजब की एक्टिंग विलन के रोल में रणवीर सिंह ने करी थी। मूवी गजब की है और हर एक्टर ने कैरेक्टर में जान फूंक दी है। बहुत ही प्यारा पिक्चराइजेशन है, दीपिका पादुकोण बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बहुत ही अच्छे डायलॉग्स इस मूवी में लिए गए हैं कि देख करके मज़ा आ जाएगा। और आज की जनरेशन जिन्होंने पद्मावती के बारे में नहीं जाना है, इस मूवी के जरिए उनको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। बहुत ही अच्छी मूवी है, जिसने नहीं देखा एक बार ज़रूर देखें। अगली जो मूवी है उसका नाम है ओमकारा। ओमकारा साल 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर, विवेक ओब्राय जैसे स्टार्स थे, लेकिन सैफ अली खान ने विलन के रोल में सारी लाइमलाइट बटोर ली थी। बहुत ही अच्छी मूवी थी ये, करीना कपूर, अजय देवगन और सैफ अली खान की ये मूवी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और इसके गाने भी ठीक ठाक थे, सब अच्छे अच्छे गाने थे। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। अगली मूवी की तरफ चलते हैं। तो जो हमारी अगली मूवी है उसका नाम है, अगली मूवी का नाम बताने से पहले उस मूवी का एक फेमस डायलॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मोगैम्बो खुश हुआ। हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये मूवी है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया मूवी श्रीदेवी, अनिल कपूर और अमरीश पुरी जी की मूवी है। इस मूवी में अमरीश पुरी जी ने जो मोगैम्बो का कैरेक्टर किया था वो लोगों के जहन में आज तक बसा हुआ है। बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छे गाने हैं और कॉमेडी भी है, बहुत ही प्यारी मूवी है। मैंने ये मूवी दूरदर्शन पर देखी थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कब और दूरदर्शन पर
या केबल आने के बाद कब आपने ये मूवी देखी थी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कौन कौन सी मूवी देखी है और कौन कौन सी मूवी नहीं देखी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।